खबर है मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान करेंगे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। झारखंड सरकार ने भी राज्य भर में इसके कड़ाई से पालन के निर्देश दे दिए हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ऐसे में फंड जुटाने के लिए सरकार राहत कोष में सक्षम लोगों से दान की अपील कर रही है। वहीं झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपए दान करेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से राज्य से सभी पारा शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने मानदेय में से 155 रुपए दान करें। इसके लिए संगठन ने शिक्षा मंत्री और झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना को चिट्ठी दी है कि सभी पारा शिक्षकों के मानदेय में से 155 रुपए काट कर कुल 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाए। संगठन की ओर से कहा गया है कि इस महामारी में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए झारखंड के सभी पारा शिक्षक तैयार हैं। खबर है आज भी झारखंड के लिए अच्छी खबर, नहीं मिला कोई कोरोना मरीज, 153 में 137 नेगेटिव। दोस्तों, झारखंड में गुरुवार को कुल 27 कोरोना संदिग्ध लोगों के सैंपल की जांच हुई। इनमें से 7 लोगों की रिपोर्ट आ गई है। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। 20 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अब तक की बात करें तो राज्य में कुल 153 लोगों के सैंपल की जांच हुई है, जिनमें 137 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस तरह झारखंड में अभी तक कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। जानकार बताते हैं कि इसके बावजूद राज्य में लॉकडाउन के नियमों का पूरा अनुपालन और सावधानी अत्यंत ही जरूरी है। इधर चीन, इटली एवं अन्य देशों से लौटे 801 यात्रियों को आइसोलेशन में रखते हुए उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इनमें से 41 लोगों का 28 दिनों का आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया है। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से झारखंड लौटे 45,197 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखते हुए उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है। खबर है झारखंड में गरीबों को बड़ी राहत, मुफ्त में खाद्यान्न देगी हेमंत सरकार। दोस्तों, केंद्र से कोरोना को लेकर पैकेज की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में राशन कार्डधारियों को 1 रुपये में अनाज दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यह राशि भी शून्य हो जाएगी, यानी कि हम कार्डधारियों को मुफ्त अनाज देंगे। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार को 3 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करने के बाद हम लोग उपभोक्ताओं से 1 रुपये ही ले रहे थे, और अब जब केंद्र से राशि खत्म कर दी गई है तो हम उपभोक्ताओं से 1 पैसा भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व ही 200 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर दिया गया है, जिससे सभी उपायुक्तों के खाते में 10 लाख रुपए और सभी मुखिया के खाते में 10,000 रुपये पहुँचा दिए गए हैं। राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में किसी को भूखा ना सोना पड़े। रामेश्वर उरांव ने कहा कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से झारखंड के लोग लौटे हैं, जिनमें मजदूरों की संख्या अधिक है। इन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट होगा, जिससे निपटने के लिए भी राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। खबर है आरबीआई ने स्पेशलिस्ट और एनालिस्ट समेत इन पदों पर निकाली वैकेंसी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट और ऑडिटर के समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। इसके तहत कुल 39 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इस तारीख या इससे पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स बस इस बात का ध्यान रखें कि यह भर्तियां अनुबंध के आधार पर होगी। इसके अलावा अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी पाई गई तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। खबर है राज्य के थानों में लॉकडाउन तक खुलेंगे 600 दाल भात केंद्र। मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र की संख्या की जाएगी 460। दोस्तों, राज्य में इस विकट स्थिति में कोई भूखा न रहे, इसको लेकर राज्य सरकार पूरी सजगता और सतर्कता के साथ काम कर रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि DGP MB राव की पहल पर लॉकडाउन की स्थिति रहने तक राज्य के सभी स्थानों में कुल 600 दाल भात केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्रों की संख्या
367 से बढ़ाकर 460 की जा रही है। जी हाँ, इतना ही नहीं, सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले में हर दिन 2000 सूखा खाद्य सामग्री का पैकेट तैयार करें। इसमें 1 किलो चूड़ा, आधा आधा किलो गुड़ और चना डालें। राजधानी में डीसी को ऐसा ही 5000 पैकेट तैयार करने को कहा गया है ताकि ज़रूरतमंदों के बीच उसे बांटा जा सके। डॉक्टर रामेश्वर उरांव शुक्रवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, ये था अब तक की झारखंड की ताज़ा खबरें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इजाज़त दें, नमस्कार।